पति ही निकला 30 वर्षीय गर्भवती पत्नी सीमा का हत्यारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या की वारदात को बनाया था सड़क हादसा। 17 मार्च को नेशनल हाईवे 152 डी पर चाबरी गांव के पास दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। पत्नी के चरित्र पर शक करता था पति जितेंद्र, सिवाहा गांव का रहने वाला है जितेंद्र। बालाजी से लौटते समय जींद के पास हाईवे पर दिया वारदात को अंजाम। हाईवे पर गाड़ी के अंदर ही पत्नी को जिंदा जला दिया था आरोपी पति ने। डीजल से स्प्रे किया गाड़ी में, फिर महक मिटाने के लिए सेंट का स्प्रे किया था आरोपी ने, फिर जिंदा पत्नी को जलाकर दिया था सड़क हादसे का रूप। बाद में पुलिस को सड़क हादसे की सूचना देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी। हिसार के बड़ाला गांव वासी पिता सज्जन की शिकायत पर पुलिस ने किया था हत्या और शव को खूब भूर्द करने का मामला। जांच में आरोपी ने कबूली हत्या की वारदात। जींद सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया एक दिन के पुलिस रिमांड पर। सर 152 डी पे कुछ दिन पहले सर एक हादसा हुआ था सर, उसमें पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, तो सर क्या था पूरा मामला जी, क्या रिपोर्ट थी उसकी? दिनांक 17 मार्च को 152 डी के ऊपर एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर मौके पर पहुंचे तो हालात संदेहजनक थे, जिसके संबंध में मृतका सीमा के पिता सदन सिंह की शिकायत पर 302-201 की FIR दर्ज की गई थी। FIR की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीमा के पति जितेंद्र को सबूत काबिले गिरफ्तारी गुजरने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, मुकदमा जागी तफ्तीश जारी है। तो सर क्या बात सामने आई, नई बात निकल गई सर, क्या मेन पॉइंट था उसका जो आगे लगी सर? जितेंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था, चरित्र पर शक करता था, जिसके कारण उसने ये हत्या की है। तो सर जो मरने वाली महिला थी सर, कितने महीने गर्भवती थी सर उसकी? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा कितने महीने की गर्भवती थी। तो उसके पहले सर जो उसका घरवाला था उसका भी फेर था सर कहीं? ये इन्वेस्टिगेशन की विषय है, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। तो सर इस घटना को किस तरह अंजाम दिया सर? इस घटना में वो रोड के ऊपर एक्सीडेंट दिखाकर मारने की कोशिश की गई है और फिर उसको जिंदा कार में आग लगाकर जलाया गया है। तो आरोपी ने सर कबूला है मतलब जी? इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी ने कबूलने पर ही उसको गिरफ्तार किया गया है। मामला की हम जांच चाहते हैं। जो घटना घटी है वो बहुत बुरी घटना घटी है। हम लड़की के परिवार से हैं, भाई लगते हैं नाते के अंदर, तो हम चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। किस तरीके से घटना घटी, क्या मैसेज आ गया आपके पास? मैसेज तो एक्सीडेंट का बताया कि बाद में आग भी लगी है, लेकिन सच्चाई पे मौके पे तो मौजूद लड़का ही था और लड़की थी, वही बताएं। तो आप लोगों को थोड़ी हत्या की आशंका लग रही है? शक है, शक के दायरे में हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। क्या नाम है? हितेश कुमार नाम है। तो लड़की गर्भवती थी? हाँ लड़की गर्भवती थी, 6-7 महीने की। पहले कितने बच्चे? पहले एक लड़का है उनके। तो कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ था? ये शिवा गांव से के नज़दीक ही है, 1-2 किलोमीटर के राउंड में। कहाँ गए हुए थे, कहाँ से वापसी आ रहे थे? बताया गया कि बालाजी गए हुए थे, वापस लौट रहे थे। पहले जो कोई आपस में तनमन रहते थे, कोई पहले बात ऐसे जो लेकर? कुछ नहीं कह सकते, हम इसकी जांच चाहते हैं बस, निकल आ रहा है। तो आपको क्या बताया गया जी? बताया तो यही गया कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई, बाद में आग लगी। एक कैंडिडेट गाड़ी के अंदर जल जाता है और एक बिल्कुल सेफ है, उसको कोई क्रॉस तक नहीं आई, तो मामला संदेह है। क्या नाम है आपका? हितेश कुमार नाम है। क्या लगते भाई लगते हैं नाते में?